था चंदूला। अभी अलपूज में आई थी, काफी दिनों से इन भाइयों से मैं जुड़ी हुई थी। तो क्या नाम है भाई आपका? मनीष कुमार। मनीष का कॉल आया था मुझे कि दीदी हम ऐसे से फंसे हुए हैं, यहाँ पे जो मालिक है वो कंपनी बंद कर दिया और वीजा भी, दो लोगों का वीजा भी कैंसिल नहीं हुआ। इन लोगों का वीजा है बट इनको कई कितने मेरे को जनवरी महीने का सैलरी मिला हुआ, बाद में घर में बहुत प्रॉब्लम है, दो मेरे बच्चे हैं, मैं घर गिरवी रख के आया था तो मेरा कोई मतलब मेरा ब्याज भी नहीं दे पाया मैं। कौन सी कंपनी आप? कंपनी रौनक अलविदा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आपका नाम क्या है? रमेश कुमार। रमेश कुमार कहाँ से? पंजाब से इंडिया है? पंजाब इंडिया। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत प्रॉब्लम है आप लोग? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो भाई जी। हाँ, और ये पेपर भी हैं, ये सारे पेपर हैं, और मैं चाहती हूँ कि इंडिया का इंडियन काउंसलेट हमारी इन सब भाइयों की मदद करे और कानूनी तौर से इनकी मदद हो, और बाकी तो मालिक है करने वाला। और जितने जल्दी होता हमें निकालो, हमारा यानी कि 2 साल हो गए, मेरा वीजा क्लास है और जनवरी महीने की सैलरी मिली हुई है, कंपनी भी कोई नहीं करे, और बाप ने कंपनी दे दी है और हम लोग खाने से भी बैठे हुए, और मैडम हमारे लिए देखिए खाना लेके आई हुई है और कंपनी भी हमारा नहीं सुन रही है। ये राइस है और आटा है, थोड़ा बहुत जो भी है चल जाएगा, फिर देखेंगे। और सबका काम होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, सबका काम होगा, जरूर होगा, इंशाल्लाह होगा। और यही हम चाहते हैं कि हमें जितना जल्दी। अरे देखो ये तो बीमार भी है, ये भाई तो बीमार है, इनकी तबीयत। इसका तो मेरा नाम प्रदीप कुमार है, अभी हमको 17 महीना हो गया, 5 महीना का सैलरी नहीं मिला है, अभी हम लोग बहुत मुश्किल में, खाने का खर्चा नहीं है, इधर उधर काम करते हैं, 11 बजे दिन में जाएंगे और 11 बजे रात को आएंगे, बंगाली लोग 10 रुपया 15 रुपया देगा, मजबूरी में हम लोग खाने का पैसा नहीं। नमस्कार गीता जी, मैं संजय मल गोरखा इंटरनेशनल से ये जानना चाहता हूँ कि जो ये हिंदुस्तानी हमारे भाई दुबई में फंसे हुए हैं, इनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और आप इनको किस तरह मदद कर रही हैं? नमस्कार संजय जी। हाँ, अलखूज है, यहाँ पे लीवर कैंप है, तो कल मैं वहाँ पे गई थी, काफ़ी दिनों से इन बच्चों के साथ कॉन्टेक्ट में थी मैं, और ये 10 लोग हैं पंजाब के, यूपी के, और काफ़ी मुश्किल में हैं। इनका जो वीजा था, 2 लड़कों का वीजा भी कैंसिल नहीं हुआ, और 6-7 लड़के ऐसे हैं जिनको 5-6 महीने से सैलरी भी नहीं मिला और बहुत मुश्किल में हैं। तो कल मैं वहाँ पे गई थी, काफ़ी दूर है यहाँ से, तो वहाँ पे जब उनसे मिली तो उनकी बहुत ही बुरी स्थिति थी, तो जो भी मेरे से हेल्प हुई मैं उनको राशन दे के आई हूँ और थोड़ा बहुत उनको खर्चा भी दे के आई हूँ जो जब तक उनका ठीक ठाक होता है। और मैं इंडियन काउंसलेट में भी उनकी मदद के लिए जाऊँगी, यहाँ की गवर्नमेंट से भी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से भी उनके लिए हेल्प लूँगी। तो देखो मेरे से जो भी हो सकता है एज इंसान के नाते, तो मैं ज़रूर उनकी मदद करूँगी, और हम सबको मिल के इंसानियत के नाते फ्री सेवा करनी चाहिए, चाहे हम कहीं से भी हैं, किसी भी मुल्क के हैं, हम सब इंसान हैं, परमात्मा ने हमको स्वस्थ बनाया, अच्छा बनाया, संपन्न बनाया, तो हमको मदद जरूर करनी चाहिए। ये मेरा मैसेज है सभी के लिए। कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास इतना पैसा बैंक भरे हैं, सामने कोई भूखा बैठा है उसको एक गिलास पानी तक नहीं पिलाते, पूछते नहीं कि तू कैसे है। इंसान की जो नीड है सबको, सबकी एक जैसे, इंसान को पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तो हम सबको मिलके उन लोगों को हाथ पकड़ के ऊपर लेके आना है जो कमजोर है, मजबूर है, मुश्किल में है। ये मेरा सभी के लिए मैसेज है, और जहाँ जहाँ भी मनुष्य जाती है वहाँ हम सबका फर्ज होता है। एक मैं चाहती हूँ और भी गीता बने, और भी संजय जी बने, और भी लोग बने जो अच्छे अच्छे काम करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। आप निस्वार्थ सेवा करोगे परमात्मा आपके साथ है, और वो काम 100% होता है। और मुझे उम्मीद है जैसे बिहार के लड़कों का काम 1 हफ्ते में हुआ था, ऐसे इन सब का भी काम होगा। मुझे महादेव से यही ब्लेसिंग चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए
कि इनका काम भी जरूर होगा, जरूर ये भी अपनी फैमिली के पास जाएंगे। और इनकी कहानी इतनी पेनफुल है, एक बच्चा और बीबी दोनों हॉस्पिटल में है और जा नहीं सकते, पासपोर्ट नहीं दिया कंपनी ने, पैसा नहीं है, क्या करेगा इंसान। धन्यवाद गीता चंदोला जी, आप दुबई के सरजमी में भी रहकर हिंदुस्तान की जो सेवा कर रहे हो वो काबिले तारीफ है। गोरखा इंटरनेशनल आपको सलूट करता है। आप जिस तरह दुबई में हिंदुस्तानियों की सेवा कर रही हो उससे आपके सच्चे उत्तराखंडी होने का परिचय मिलता है। और हम आपसे हमेशा ये आग्रह करते रहेंगे, इस तरह का काम आप करते रहिएगा। आपकी प्रेरणा लेकर दुनिया में और भी लोग मानवता की सेवा कर सकें। जय हिंद।